मेरे को सरकार से और अपने प्यार से दोनों से बहुत दिक्कत है। तो क्या क्या दिक्कत है गिन गिन के दिखाते हैं। सरकार और हमारे हालात एक जैसे हैं। वो कश्मीर कश्मीर करते हैं, हम कश्मीर की कली लिए बैठे हैं। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, देने को राजी नहीं, हम काम काम करते हैं, राज्यों के नाम बदले बैठे हैं। नोट बंदी और हमारी बंदी के बस ये बात सेम है। मेरे और उनके रिलेशन को ना जाने मिला फेम है। ये रिलेशन ओवर रेटेड है, थोड़ा आउटडेटेड है। हम क्वेश्चन इनसे पूछते हैं तो कहते हैं हमें लेम है। पेट्रोल और गर्लफ्रेंड के भाव कुछ ऐसे बढ़े कि पैदल चलने लगे, सड़कों पर आ गए। सरकार और इनकी यही खासियत थी कि बिन वादे किए पूरे पता नहीं कैसे वादे निभा गए। हम घर बिजली पानी को तरसे और आपने इतना बड़ा पुतला बना दिया। जो किसान सो नहीं पाता था कर्जे की वजह से, उसे आपने मजबूरी से मौत की नींद सुला दिया। हम बुराई करें तो ऑप्शंस पूछती है, ऐसा मेरा प्यार और ऐसी मेरी सरकार है। हमेशा से चाहते थे ना शांति, तो ये तुम्हारे लोगों के पास क्यों हथियार है। एंटी रोमियो स्क्वाड ले आए कुछ बदतमीज लड़कों को पकड़ने के लिए। अरे प्यार का मिसाल था रोमियो सुरेंद्र लोधी जी, उसकी आत्मा को छोड़ दिया तड़पने के लिए। बस ये बात कहनी थी कि नफरत सी है आपसे और लोग आपको चाहते हैं। हम यूं ही अपनी गर्लफ्रेंड की बातें करते हैं और एक तीर से दो निशानों के लिए जाने जाते हैं। तो प्यार हुआ है सबको यहाँ पे? पूछूंगा तो मना ही करोगे? अच्छा हुआ है, मेरे को नहीं हुआ यार। खैर जोक्स अपार्ट, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, कम्युनिज्म सोवियत, पतंग मांझा, रास्ता राही, वर्ल्ड कप माही, कवि डायरी, शायर शायरी, लवर लव, व्हाइट स्किन डब, WWE जॉन सीना एंड मी एंड मिसेस सिन्हा। कुछ ऐसा है मेरा डिस्क्रिप्शन। और सुनोगे? होटल गेस्ट चिड़िया नेस्ट ईस्ट एंड वेस्ट, इफ वी वुड हैव बीन टुगेदर वी वुड बी बेस्ट, बट शी फ्रेंड ज़ोन एंड आई एम ऑल अलोन। कॉल लगाया उसने उठाया नहीं फोन, आई नो हाउ मच एफर्ट्स आई हैव शोन, रिंग टोन लगाई बेख्याली वाली टोन। तो अब कैसे करता है डिस्क्राइब, मैं इंडिया वो माल्या वो दूर जा चुकी है। वो रिच मैं वो लड़की जो सड़कों पे भूखी है। मैं हर वो चीज जो उसे पसंद नहीं, मैं पार्ले जी बिस्किट वो डार्क फैंटेसी वाली कुकी है। तो एकदम से ये शो आ गया और मैंने कुछ कंटेंट तैयार नहीं किया था तो उसके ऊपर है। क्या बोलूं यार, टॉपिक ही नहीं है। सोचा खुद पर लिखता हूं पर मुझ पर तो बायोपिक बननी है, तो किस पे लिखूं सोचने लगा। फ्रेंड से पूछा, टॉपिक खोजने लगा, उस बेटी के बारे में लिखूं जो घर से नहीं निकल पा रही, या उस माँ पर जो बेटी को रोके हुए है और शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रही इस समाज पर, इस आज पर, इन लोगों के कामकाज पर, इन लड़कों की बेची हुई शर्मो लिहाज पर। किस पर लिखूं उस बच्चे पर, किस पर लिखूं उस बच्चे पर लिखूं जो पढ़ना नहीं चाहता, या उस बाप पर जिसके पास सिर्फ एक राह था कि बच्चा पढ़ जाए, कुछ बन जाए, छाती तन जाए, सबका मन भाए, कोई आए ना आए, कम से कम उसका बच्चा अपना नाम खुद करता जाए। किस पर लिखूं? उस बच्चे पर लिखता हूं जो अभी खेल रहा है, या उस दोस्त पर जो रोज अपने दोस्त को फेल रहा है, उस बीवी पर जो पति से परेशान है, या उस अनाथ पर जो आज भी अनजान है। किस पर लिखूं? बॉयफ्रेंड्स पे लिखता हूं जो धोखा देते हैं, या उन लड़कियों पर जो अक्सर बैड बॉयज को ही मौका देते हैं। नागिन पर लिखूं, या सासू चुड़ैल वाले उस शो पर, या उस ब्रो पर जो रोज कहता है भाई तू ग्रो कर। इंडिया पर लिखूं, छोड़ो शर्मिंदा क्यों करना, जब सुन ही नहीं पाओगे तो अपनी पीएम की निंदा क्यों करना। लव पर लिखता हूं जो मजाक बन चुका है, या उस लव लेटर पर जो अब जलकर राख बन चुका है। किस पर लिखूं समझ नहीं आ। तो अभी कुछ दिन पहले फ्रेंडशिप डे थे तो सब लोग विशेष भेज रहे थे, तो मैंने दोस्त को अपने वे में समराइज किया है कि दोस्त होता क्या है।
रोते को हंसाना, ईगो को हराना, प्लान बनाना फिर ना आना, ब्लेम लगाना पिक्स खिंचवाना दोस्त है, चॉकलेट देना क्रश को, रोके रखना बस को, कोई भी कश्मकश हो जिसके साथ तुम मस्त हो दोस्त है। माँ बाप और सिस के बाद, लाइफ के हर रिस्क के बाद, टू डू वाली लिस्ट के बाद, लाइकिंग वाली मिस के बाद जो है वो दोस्त है। दोस्त क्या है, क्योंकि चाय हो या राय हो, सच हो या लाए हो, गर्ल हो या गाय हो, किसी और का हो या माए हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो या शाय हो, व्हाट्सअप ब्रो हो या तेरा भाई हो, लाफ्टर हो या क्राई हो, व्हाट हो, वेयर हो, हाउ या व्हाई हो, मुबारक हो अगर आपने कुछ भी रिलेट किया, आप फ्रेंडशिप वर्ल्ड वाले इस वर्ल्ड में आए हो। कदर करना यार दोस्त की, एक गलती नहीं 100 अच्छे काम देखना, फिर कहूंगा थैंक यू, दिस वॉज आर्यन, टमाटर जूते मत फेंकना, थैंक यू।